हेलो क्लास नाइन चिल्ड्रन, हाउ यू ऑल। सो चिल्ड्रन, दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ओके, सो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट अपार्थाइड वॉज गोइंग ऑन, इट वॉज प्रैक्टिस्ड इन साउथ अफ्रीका बाय वाइट पीपल। तो अपार्थाइड वहाँ पे चल रहा था, ये सब हमने पढ़ा, और उन लोगों ने ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ मिलकर अपार्थाइड के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सुसी, अब हम स्टार्ट करते हैं टुवार्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो देखिए, एज प्रोटेस्टेंट स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड हैज इंक्रीज्ड, जैसे ही ये स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, सो ये जो वाइट गवर्नमेंट है, रेसिस्ट गवर्नमेंट है, वो रियलाइज करती है कि हम इस रिप्रेशन को, हम हमारे रूलिंग सिस्टम को और आगे फर्दर नहीं कंटिन्यू कर सकते। वो इस बात को समझ जाते हैं और धीरे धीरे वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। वाइट रेजिम चेंज्ड इट्स पॉलिसीज़, तो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करते हैं। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको अबोलिश किया जाता है, हटा दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो बैन है वो भी हटा दिया जाता है, और मीडिया पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी हटा दी जाती हैं। मतलब ब्लैक जो लोग हैं वहाँ के, एक साउथ अफ्रीकन जो नेटिव पीपल हैं, उनकी मांगे मान ली जाती हैं, है ना। तो स्ट्रगल उन्होंने की, वो अब रंग लाई, है ना, वो कामयाब हो गई। और 28 ईयर्स की लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बाद, 28 सालों की जेल के बाद, नेल्सन मंडेला जेल से बाहर आते हैं, और फाइनली मिडनाइट को साउथ अफ्रीका जो है एक फ्री नेशन बनता है, एक ऐसा नेशन बनता है जो किसी भी कम्युनिटी के कंट्रोल में नहीं है, जो सबका अपना है, इक्वेलिटी वाला एक नया देश बनता है 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, सो एक नया कंट्री बनता है, और अपना नया जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका, वो फ्लैग वो लोग फहराते हैं, दिस इज द फ्लैग। ठीक है, सो ये है। सो उसके बाद हम देखते हैं कि अपार्थाइड जो है वो ख़त्म हो चुका है, और मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहाँ बनने जा रही है। मतलब एक सबकी गवर्नमेंट वहाँ, जो अलग अलग रेसिस हैं, ब्लैक हैं, वाइट हैं, कलर्ड हैं, तो सबकी मल्टी रेशियल गवर्नमेंट वहाँ बनेगी। ठीक है, सभी लोग उसमें शामिल होंगे। और आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर्स अपील टू फॉलो अ ब्लैक टू फॉरगिव द वाइट्स। ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब उन लोगों को फ्रीडम मिल गई, जब अपार्थाइड ख़त्म हो गया, तो फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो ब्लैक लीडर्स हैं ना, उन ब्लैक लीडर्स ने अपने लोगों को अपील किया, उनको मनाया कि भाई ये जो गोरे लोग हैं, वाइट लोग हैं, इनको माफ़ कर दो। ठीक है, हिस्ट्री की जो पुरानी बातें हैं उनको भूल जाओ, ठीक है, और नए सिरे से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में बताया कि हम एक कैसा देश बनाएंगे जहाँ पे देयर विल बी इक्वेलिटी ऑफ ऑल रेसिस, सारी रेसिस जो हैं वो बराबर होंगी, इक्वेलिटी होगी, मैन वुमेन बराबर होंगे, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वहाँ पे होंगी, सोशल जस्टिस होगा और ह्यूमन राइट्स होगा, है ना। कितनी सारी इन अच्छी बातों को वो लोग शामिल करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, ठीक है, सोशल जस्टिस, जहाँ समाज में सबको जस्टिस मिलेगी, ह्यूमन राइट्स होंगे, कम से कम जो मानव के जो अधिकार हैं वो होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो शामिल करना चाहते हैं, एक इस तरह का एक नया साउथ अफ्रीका वो लोग बनाने जा रहे हैं, है ना। सो दिस इज इट। ये तो उसके बाद ये लोग जो हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको उसको बनाने में करीब करीब 2 साल इनको लग गए। डिबेट होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, कौन सा लॉ होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन डिबेट डिस्कशन में करीब करीब 2 साल लग गए। तो 2 साल में इन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वर्ल्ड का फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया। इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन कि ये वर्ल्ड के जो डेमोक्रेट्स हैं ना, जो डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं ना, उन सबको ये इंस्पायर करता है। तो इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका के लोगों ने बना के दिया, है ना। सो दिस इज इट। उसके बाद देखते हैं हम प्रीएम्बल ऑफ साउथ अफ्रीका। स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका का जब हम प्रीएम्बल देखते हैं, सो पहले प्रीएम्बल को समझ लेते हैं। प्रीएम्बल होता क्या है? प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट है वो है प्रीएम्बल।
अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन आप देखेंगे वो भी प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका भी एक अपना बहुत अच्छा प्रियम्बल है। और प्रियम्बल को जब हम पढ़ते हैं तो प्रियम्बल हमें आइडिया देता है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस कंट्री का वो कैसा है ना, वो उसका निचोड़ है। प्रियम्बल को पढ़ते ही हमें कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर का पता चल जाता है। अब साउथ अफ्रीका का जो ये जो प्रियम्बल है इसको आप देखिए, वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, सेम ऐसी ही लाइन जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आर पास्ट, पास्ट में जो भी गलत हुआ वो सब हमें याद है, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो जिन्होंने अपने सेक्रीफाइस दिए हैं इस फ्रीडम में वो भी हमें याद हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट करते हैं उन सभी को। और उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस प्रियम्बल में इन्होंने यूज़ किए हैं, ठीक है। और देखो सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ होगा। और इंडिया के बारे में भी हम यही बात करते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या है, सुप्रीम लॉ है। उसके बाद देखो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होंगी, इक्वेलिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, फंडामेंटल राइट्स होंगे, ठीक है। तो देखो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। उसके बाद इस तरह का एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन वो लोग बनाने की बात करते हैं। सो प्रियम्बल को जब हम पढ़ेंगे तो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर हमें समझ में आता है कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन, कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों ने बनाया, ठीक है। और नेल्सन मंडेला की तीन स्पीच हैं आपकी इस फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में, तो इनकी जब हम स्पीच पढ़ते हैं तो हमें इस चैप्टर के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और अपार्थाइड के बारे में और उनके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के बारे में हमें बहुत अच्छा आइडिया मिलता है, बहुत अच्छे से हम समझ पाते हैं। तो ये देखो ये पिक्चर, ये उनकी स्पीच के कुछ वर्ड्स हैं। हिस्टोरिकल एनिमीज सक्सेडेड इन नेगोशिएटिंग एंड पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम अपार्थाइड टू डेमोक्रेसी, ठीक है, बिकॉज वी वर प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुडनेस इन द अदर। अब सीधे सीधे ये लोग बात कर रहे हैं कि हिस्टोरिकल एनिमीज जो है ना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हिस्टोरिकल एनिमी वो लोग, वो वाइट और ब्लैक पीपल जो हिस्टोरिकली एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, और अब ये एक पीसफुल ट्रांजिशन में जा रहे हैं, यानी कि एक पीसफुल माहौल में जाने की कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं और गुडनेस की तरफ जा रहे हैं। माई विश इज़ दैट साउथ अफ्रीकन्स नेवर गिव अप ऑन द बिलीफ ऑफ गुडनेस, अच्छाई को साउथ अफ्रीका के लोग नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो ब्लैक हैं, चाहे वो वाइट हैं, कलर्ड हैं, कोई भी हैं, जो यहाँ के लोग बन चुके हैं, जिनका ये देश अब हो चुका है, ठीक है। सो ये स्पीच आप देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स बोथ पास्ट एंड फ्यूचर, पास्ट फ्यूचर दोनों की बात करता है। पास्ट क्या, अपार्थाइड वाला पास्ट, जहाँ रिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, ठीक है, और बहुत ख़राब कंडीशन है। और फ्यूचर, फ्यूचर वो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन से, उस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू वो बनाने की बात कर रहे हैं, वो अच्छा फ्यूचर जहाँ सबके लिए इक्वालिटी है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, है ना, वो सब। और ऑन वन हैंड इट इज़ सॉलम पैक्ट इन विच वी साउथ अफ्रीकन्स डिक्लेयर टू वन अदर दैट वी शैल नेवर परमिट द रिपीटेशन ऑफ आवर रेसिस्ट ब्रिटल एंड रिप्रेसिव पास्ट। और वो जो हिस्टोरिकल इवेंट जो उनके साथ हुए हैं, वो जो अपार्थाइड हुआ है, वो जो रेसिस्ट पॉलिसी फॉलो हुई हैं, ये कह रहे हैं कि हम उनको दोबारा कभी परमिशन नहीं देंगे, दोबारा हम वैसा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस तरह के ये लोग बात कर रहे हैं अभी। सो इट इज़ ऑल्सो ए चार्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री इनटू वन विच ट्रूली शेयर्ड बाय ऑल इट्स पीपल, है ना। तो एक बदलाव है जिसमें एक ऐसा देश बनने जा रहा है जो सबका है, ठीक है, दिस इट। सो इसमें चाहे वो ब्लैक हैं, वाइट हैं, मेन हैं, वुमेन हैं, वो सब बराबर होंगे, इक्वालिटी होगी और देश सबका अपना होगा, इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन की वो बात करते हैं। सो ये सारी स्पीच नेल्सन मंडेला की स्पीच साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। सो दिस इट। उसके बाद एक ये छोटा सा चेक पॉइंट है, चेक योर प्रोग्रेस। सो इसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से भी फ्रेम हो सकता है ना। तो देखिए यहाँ साउथ अफ्रीका का जो स्ट्रगल है और इंडियन नेशनल मूवमेंट है, उसके बीच हमें सिमिलैरिटीज़ को चेक करना है, क्या उनमें कोई सिमिलैरिटी है। तो फर्स्ट पॉइंट को आप देखिए, यह है नेचर ऑफ कॉलोनिज्म,
कॉलोनिज्म का नेचर देखिए आप, यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वहाँ पे भी यूरोपियंस हैं, वाइट पीपल हैं। सो अब देखिए अंग्रेज हैं वहाँ पे भी, ब्रिटिश हैं, तो वहाँ पे भी हैवी टैक्सेस हैं, वहाँ पे भी लोगों को परेशान किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे भी। तो इन उनका जो कॉलोनिज्म है, कॉलोनिज्म के जो पॉलिसीज हैं उनमें सिमिलैरिटीज हैं, यस इट इज़, ठीक है। उसके बाद आप रिलेशनशिप देखिए बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं इंडिया की और अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं साउथ अफ्रीका की, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप रहा, इंडिया के जो इंडियन पीपल हैं और ब्रिटिश हैं उनके क्या रिलेशन रहे, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है ना। एक तो ओप्रेसर है, एक तो लोगों को तंग करने वाली कम्युनिटी है, और एक वो है जो तंग हो रही है ना, अनजस्ट टैक्सेस फेस कर रही है, ठीक है, प्राइस राइज को फेस कर रही है, बहुत सारे हाई प्राइस हैं, इवन उनके काम धंधे भी ठप करती जा रही है अंग्रेज सरकार इंडिया में, है ना। ये सब कुछ कुछ ऐसा ही वहाँ हो रहा है, वहाँ जो वाइट पीपल हैं वो ब्लैक के साथ यही सब कर रहे हैं। तो यहाँ भी सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, रिलेशंस आर नॉट गुड। उसके बाद हम लीडरशिप देखते हैं, गांधी और मंडेला दोनों की लीडरशिप, दोनों ही लीडर ऐसे हैं जो इक्वेलिटी के लिए फाइट करते हैं, है ना, नेल्सन मंडेला भी और महात्मा गांधी भी, दोनों ही लीडर इक्वेलिटी के लिए लड़ते हैं वो, और वाइट गवर्नमेंट से लड़ते हैं, ठीक है। यहाँ भी सिमिलैरिटीज़ हैं, लड़ने के तरीके, प्रोटेस्ट करना, है ना, महात्मा गांधी सत्याग्रह को फॉलो करते थे, है ना, नेल्सन मंडेला जेल गए, महात्मा गांधी भी जेल गए। सो इस तरीके से पार्टी दैट लीड द स्ट्रगल, अब देखिए ये पार्टीज इधर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। सो ये पार्टीज इस अपने अपने नेशनल मूवमेंट को लीड करती हैं, और मेथड ऑफ स्ट्रगल, सो यहाँ भी सिमिलैरिटीज, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, पीसफुल प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, कम्युनिटीज़ में रिलेशनशिप आपस में ठीक नहीं है, और कॉलोनिज्म का नेचर तो आपको पता ही है, कॉलोनी वो लोग क्यों बनाते थे और क्या उन कॉलोनियल उन देशों के साथ ये करते थे जिनको अपनी कॉलोनी बनाते थे, है ना, क्या बिहेवियर उन लोगों के साथ वो होता। सो ये इस यूनिट में, इस सेकंड पार्ट में हमने किया है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का सेकंड पार्ट। यहाँ पे वो लोग नई कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, अपार्थाइड रूल ख़त्म हो चुका है, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात हो रही है, ठीक है, दो साल में अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, वर्ल्ड का फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और वर्ल्ड के ज़्यादातर जो डेमोक्रेट्स हैं उन सबको इंस्पायर करता है, कितना कमाल का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बना दिया साउथ अफ्रीका के लोगों ने, उनके लीडर्स ने, ठीक है, लीडर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। उसके बाद ये प्रियम्बल है, ये प्रियम्बल हमें साफ साफ जो हमें आइडिया देता है कि कितना अच्छा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, और ये चेक पॉइंट है जहाँ पे हम इंडिया और साउथ अफ्रीका की कंडीशन में सिमिलैरिटी देख सकते हैं। और ये स्पीच जो नेल्सन मंडेला की हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वाला तो यहाँ से भी बना सकता है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, दोनों स्पीच का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, तीन स्पीच टोटल हैं, तीनों का अगर मीनिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, उनका नेचर आप समझते हैं, तो इस यूनिट को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और ये फ्लैग है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, ठीक है, दिस इज इट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट, सो वॉच इट प्रॉपरली एंड लर्न दिस यूनिट प्रॉपरली, ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।